फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अन्य लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में ट्यूरिंग मशीन में बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की, कि किसी भी ट्यूरिंग मशीन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके मॉडल के बारे में और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कवर किया था, वहां से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन होता क्या है। तो आज हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन में। तो तीन तरीके होते हैं आपके किसी भी ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला होता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट होता है, सेकंड ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में हम ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको वन बाई हम देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है मुझे। जो हम फर्दर इसके आगे लेक्चर में चलेंगे, इसमें से किसी भी एक को जो अपने आपको कन्वीनियंट लगेगा उसी के फॉर्म को लेके हम आगे चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम तीनों को डिटेल में समझ लेते हैं कि तीन जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है कैसे होगा। तो पहला हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। सपोज कि कोई आपका मशीन का जो स्नैपशॉट दिया गया है, और उस स्नैपशॉट में सिनेरियो क्या है आपका कि जो टेप सिंबल है, मींस यहां पे सेल है, जो नंबर ऑफ सेल है, इसमें स्टार्ट दो ब्लैंक से हुआ है और लास्ट भी दो ब्लैंक से हो रहा है, बीच में 01001 आपकी इनपुट स्ट्रिंग है। मतलब यहां से हम अगर सिग्मा देखें तो सिग्मा यहां से हो सकता है क्या 0 और 1, क्योंकि 01 ही आ रहा है। अगर गामा देखें तो गामा में क्या हो जाएगा, 01 तो होगा ही होगा, साथ में बी भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेप सिंबल में 01 के अलावा बी भी आपका ब्लैंक भी है। तो मशीन कैसे काम करेगी, ध्यान दीजिएगा। ये अगर सिनारियो देखें यहां पे, तो प्रेजेंट स्टेट कौन सा है आपका, Q3 पे मशीन है, और उस टाइम इनपुट सिंबल कौन सा है, इनपुट सिंबल या टेप सिंबल कह दें इसको, उस टाइम टेप सिंबल कौन सा है, 0 है। तो Q3 के टाइम 0 पे आपका क्या है, हेड आपका है, ये हेड कौन सा है, रीड राइट हेड आपका इस पे काम कर रहा है। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में, ध्यान दीजिए, जहां पे आपका रीड राइट हेड पॉइंट कर रहा है, इसके इधर वाला सीक्वेंस को हम कहते हैं लेफ्ट सीक्वेंस, और इधर वाले पार्ट को हम जो यहां से यहां तक का पार्ट होगा इसको कहेंगे हम राइट सीक्वेंस। तो इसको पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट सीक्वेंस क्या है आपका, लेफ्ट सीक्वेंस अगर देखिए तो 01, केवल 01 है लेफ्ट सीक्वेंस, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बी है, यहां पे बी क्या है, सबसे लेफ्ट मोस्ट में है, तो इसको वहां लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसी 01 के बीच में बी होता, ब्लैंक होता, तो हम यहां पे लिखते, यहां पे क्या लेफ्ट मोस्ट है, इसलिए यहां पे हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। ऐसे ही राइट मोस्ट में है, तो राइट मोस्ट में मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये राइट मोस्ट में है, राइट मोस्ट में ब्लैंक बहुत सारे होंगे क्योंकि पूरा टेप एम्प्टी है इधर। तो अगर लेकिन 0 और 1 के बीच में अगर ये ब्लैंक होता है यहां पे, तो हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेफ्ट सीक्वेंस से हो गया, राइट सीक्वेंस कौन सा आएगा, राइट सीक्वेंस भी आपका ये बन रहा 01, तो 01 आ जाएगा राइट सीक्वेंस। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया लेफ्ट सीक्वेंस, और ये हो गया आपका राइट सीक्वेंस, राइट सीक्वेंस ऑफ इनपुट। अब आपका मशीन किस स्टेट में है, मशीन स्टेट 3 पे है, और इनपुट सिंबल किस पे है, 0, तो इनपुट सिंबल 0 हम यहां पर लिखेंगे, और जिस स्टेट में मशीन है Q3, तो हम यहां लिखेंगे Q3, तो Q3 आपका प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा, प्रेजेंट स्टेट, ये 0 हो जाएगा, प्रेजेंट सिंबल अंडर हेड, अंडर RW जो हेड है, इस पे जो RW हेड है इसमें प्रेजेंट सिंबल ए है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से आपका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट होता है ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल हम यहां समझ लेते हैं। तो ये आपका ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है, ट्रांजिशन टेबल में कुछ प्रेजेंट स्टेट होंगे, प्रेजेंट स्टेट मींस नंबर ऑफ स्टेट Q1 Q2 Q3, सपोज यहां पे 3 स्टेट ले रखा है ट्यूरिंग मशीन में, और टेप सिंबल क्या है, सपोज टेप सिंबल 01 और बी है, बी टेप सिंबल रिप्रेजेंट करेगा ब्लैंक के लिए, अगर ब्लैंक आता है देन। तब ध्यान दीजिए कैसे हम टेबल होगा, यहाँ पे टेबल में जो एंट्रीज होगी उसकी मीनिंग क्या है। अभी हम यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टेबल ट्यूरिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे हम मशीन केवल समझ रहे हैं कि मशीन कैसे होगा, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसका वर्किंग कैसे होगा, इस चीज को हम समझ रहे हैं। तो अगर इस मशीन का सिनेरियो देखें तो क्या है, इनिशियल स्टेट आपका Q1 है, फाइनल स्टेट क्या है Q3 है,
जब भी मशीन एक्सेप्ट करेगी स्ट्रिंग को तो उस टाइम फाइनल स्टेट में होना चाहिए। अगर फाइनल स्टेट पर नहीं है तो वहां पे कह सकते हैं कि मशीन उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अगर Q1 से देखें तो Q1 से टेप सिंबल अगर जीरो है तो जीरो को क्या कर रहा है, जीरो को जीरो ही रहने दे रहा है, मींस जीरो को रीड किया और जीरो राइट कर दिया उस पर। और मूवमेंट किधर हो रहा है, हेड का मूवमेंट राइट हो रहा है, ए आर शो करेगा मूवमेंट, राइट मूव कर रहा है हेड और किस स्टेट पर पहुंच रहा है, Q1 पे। इसी तरीके से Q1 से अगर सिंबल 1 आता है तो यहां पे कोई भी रूल नहीं दे रखा है, मतलब मशीन Q1 से 1 आते ही हॉल्ट कर जाएगी और उसके आगे मशीन कुछ भी एक भी स्टेप मूव नहीं कर पाएगी। Q1 से अगर B सिंबल आता है तो उस टाइम क्या करेगी, इस B को 1 बना देगी, मींस B रीड की और राइट वहां पे क्या कर दी 1, और मशीन लेफ्ट मूव करेगी, किस स्टेट पर पहुंचेगी, स्टेट Q2 पे। इस तरह से अगर Q2 पे देखें तो Q2 से अगर जीरो देखें तो Q2 से जीरो सिंबल आता है, जीरो को जीरो रहने देगा, राइट मूव करेगा, स्टेट पहुंच जाएगा Q3 पे। और अगर वन वन सिंबल आता है तो वन को जीरो कर देगा, अगर Q2 से वन सिंबल आया तो वन रीड किया लेकिन राइट उसको उस पर क्या कर देगा जीरो, और लेफ्ट मूव करके कहां पहुंच जाएगा Q2 पे। इसी तरीके से अगर ब्लैंक आता है तो ब्लैंक को वन बना देगा और लेफ्ट मूव कर जाएगा, पहुंचेगा Q2 पे। तो इस तरह से आपका मशीन ट्रांजिशन टेबल होता है। अब इसका वर्किंग देखने के लिए सपोज इनपुट स्ट्रिंग मैंने ले लिया 00, अब 00 पर अगर लें तो प्रेजेंट स्टेट क्या है आपका Q1, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए प्रॉब्लम समझने के लिए, कि जो भी इनपुट सिंबल होगा जैसे 00 है तो करंट सिंबल कौन सा होगा, करंट सिंबल हमेशा स्कैन करेगा लेफ्ट से, जो भी इसमें होगा सिंबल लेफ्ट में, स्ट्रिंग लेफ्ट सिंबल कौन सा है जीरो, तो जीरो से स्कैन करेगा और इनिशियल स्टेट आपका कौन सा है Q1, तो यहां पे लगेगा Q1। अब ध्यान दीजिए Q1 से जीरो, Q1 से जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो को जीरो ही रहने दे रहा है, मतलब जो मूवमेंट होगा इस तरह से जीरो को जीरो से रिप्लेस कर देगा, मीन जीरो ही होगा यहां पे, और इस जीरो को कुछ भी नहीं करेगा, जीरो जैसे था वहां भी रहेगा, और मशीन क्या कर रहा है राइट मूव कर रहा है, जब राइट मूव करेगा तो मशीन कहां आ जाएगा, यहां पहुंच जाएगा क्योंकि इसके राइट में यहां पे है, मशीन यहां पहुंचेगा और स्टेट कौन सा है Q1 पे, तो यहां आ जाएगा Q1 पे। अब आपका करंट सिंबल कौन सा हो गया, ये वाला जीरो हो गया। अब देखिए फिर से मशीन पे क्या करेगी, इस पे Q1 जीरो, फिर से Q1 जीरो आ रहा है, Q1 से अगर जीरो आता है जीरो को जीरो जीरो रहने देगा, मशीन राइट मूव करेगा, तो जीरो को इस जीरो को तो कुछ नहीं करेगा, जीरो रहने का, इस जीरो को रीड भी जीरो किया और राइट भी जीरो कर दिया, मशीन क्या कर रही है राइट मूव कर रही है और Q1 पे पहुंच रही है, मतलब मशीन राइट मूव करेगी, राइट मूव यहां पर कोई सिंबल नहीं, तो हम यहां पर ब्लैंक सिंबल बढ़ा लेंगे, ब्लैंक सिंबल कर लेंगे और यहां पर मशीन पहुंच जाएगी Q1 पे, क्योंकि राइट मूव करके Q1 पे पहुंच रही है। अब करंट सिंबल कौन सा है, करंट सिंबल B है, तो Q1 से B देखिए, Q1 से B कोई रूल बन रहा है, Q1 से B यहां पे रूल दे रखा है कि इस B को 1 बना देगा, B को 1 बना देगा, पहले B को 1 बना लीजिए, चलिए तो क्या हो जाएगा 001, B को 1 बना लिया, और B को 1 कैसे बनाया, B को रीड किया और उस पर राइट क्या कर दिया 1। अब मशीन क्या कर रही है, लेफ्ट मूव कर रही है, लेफ्ट मूव कर रही मतलब कि अगर 1 बनाया यहां से तो इसको 1 बना दिया तो लेफ्ट मूव करेगी तो यहां पर आएगी, यहां मशीन पहुंचेगी तो किस स्टेट पे पहुंचेगी Q2 पे, तो यहां हो जाएगा Q2 और करंट सिंबल आपका हो जाएगा जीरो। अब Q2 से देखिए, Q2 से जीरो, Q2 से जीरो क्या कर रहा है, जीरो को जीरो ही रहने देगा, राइट मूव करेगा Q3 पे पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से जीरो को जीरो ही रहने दिया और वन तो वैसे ही रहेगा, मशीन अब राइट मूव करेगी कहां पहुंच जाएगी Q3 पे, तो करंट सिंबल कौन सा आ गया 1। Q3 1 से अब Q3 1 पे आ गया, Q3 1 से देखिए, Q3 से अगर 1 देखें तो Q3 से 1 क्या कर रहा है, 1 को 1 ही बना रहा है, राइट मूव कर रहा है, Q3 पे ही पहुंच रहा है, मतलब अगर यहां से देखें तो 0 0 तो होगा ही होगा, इस 1 को 1 ही रहने दिया और मशीन राइट मूव कर रही है, राइट मूव कर रही है तो इस साइड मूव करेगी, इस साइड कोई सिंबल नहीं है तो एक सिंबल हम यहां पे बढ़ा लेंगे, हो जाएगा बी, और स्टेट पे किस पे पहुंच रही है Q3 पे, तो यहां पे आ जाएगा Q3 और करंट सिंबल आपका क्या हो जाएगा B। अब देखिए Q3 से B, क्योंकि यहां पे क्या है Q3, Q3 से B कोई रूल है यहां पे, Q3 से B कोई रूल नहीं है, मतलब मशीन आपकी क्या कर गई यहीं पे हॉल्ट कर गई, जब मशीन हॉल्ट कर गई तो चेक करेगा कि क्या स्टेट फाइनल स्टेट पे हम पहुंच चुके हैं, देखें तो Q3 क्या है आपका फाइनल स्टेट है, अगर फाइनल स्टेट पे पहुंच चुका है तो हम कह सकते हैं 00 स्ट्रिंग जो है इस मशीन पे क्या हो रही है एक्सेप्ट
हो रही है। अगर ये मशीन किसी ऐसे जगह हॉल्ट करती जो नॉन फाइनल स्टेट था, अगर नॉन फाइनल स्टेट पे यहाँ हॉल्ट करती तो इस स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं कि मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इस तरह से ट्रांजिशन टेबल का काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ट्रांजिशन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टेबल को अगर ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी हम देख लेते हैं एग्जांपल तुरंत। तो ट्रांजिशन डायग्राम में देखेंगे कितने स्टेट है यहां पे, वन क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। तो ट्रांजिशन डायग्राम साइड चलते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम, अब इसी ट्रांजिशन टेबल को अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में बनाए तो ट्रांजिशन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, थ्री, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। तो हम नंबर ऑफ स्टेट ले लेंगे क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री। क्यू वन आपका इनिशियल है, क्यू थ्री क्या है आपका फाइनल है। यहीं से आपका दिख रहा है क्यू वन इनिशियल क्यू थ्री फाइनल। पहला मूवमेंट क्या हो रहा है, क्यू वन स्टेट पे है, अगर मेरा जीरो आता है क्यू वन से, अगर है जीरो इनपुट आता है तो क्यू वन से जीरो आता है तो जीरो को जीरो ही रहने देने दे रहे हैं हम। राइट मूव करेंगे वो कहां पहुंचेंगे, क्यू वन स्टेट पे, मतलब क्यू वन से अगर जीरो आया तो हम स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां पे लूप लग रहा है, जब लूप लग रहा है तो क्या कर रहा है, क्यू वन से जीरो अगर जीरो आया तो जीरो को हम जीरो ही रहने देंगे। ध्यान दीजिए जीरो पहला शो कर रहा है, इसको अगर जीरो आया तो जीरो को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जीरो से। तो यहां पे हम जीरो ही जीरो से रिप्लेस किए, और मूव कौन सा कर रहे हैं, राइट मूव। तो यहां लिखेंगे राइट मूव, और किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, क्यू वन पे। तो लूप के फॉर्म हो गया। अब अगर क्यू वन से वन आया तो क्यू वन से वन के लिए कोई रूल नहीं है, तो यहां पे कोई ट्रांजिशन डायग्राम में मूव नहीं आएगा। क्यू वन से अगर बी आता है तो क्यू वन से बी आ रहा, तो देखिए अब यहां पर स्टेट चेंज हो रहा है, किस स्टेट पहुंच रहा है, क्यू टू पे। तो चलिए अगर क्यू वन से क्यू टू पे हम पहुंच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्यू वन से बी सिंबल आया तो B सिंबल को हम क्या करेंगे, वन बना देंगे। और मूवमेंट कौन सा हो रहा है, लेफ्ट मूव, तो लेफ्ट मूव ले लेंगे यहां से। अब Q2 से देखिए, Q2 से अगर जीरो आता है तो हम क्या कर रहे हैं, जीरो को जीरो ही बना रहे हैं, क्यू थ्री जा रहे हैं। तो Q2 से अगर जीरो आया तो जीरो को जीरो रहने देंगे और Q3 पहुंचेंगे, मूवमेंट कौन सा हो रहा है, राइट। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब Q2 से 1 देखिए, Q2 से अगर 1 आता है तो 1 को हम 0 बना देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे और Q2 पे ही रहेंगे। Q2 पे रहेंगे मतलब यहां पे सेल्फ लूप लग जा रहा जाएगा कि अगर यहां से 1 आया तो 1 को हम 0 बना देंगे और लेफ्ट मूव कर जाएंगे, Q2 पे ही रहेंगे, जो ए डिनोट करता है। Q2 से अगर B आता है तो हम किस पे पहुंच रहे, Q2 पे, मतलब ये भी सेल्फ लूप ही लग रहा है। तो Q2 से अगर B आया तो हम B को 1 बना दे रहे हैं और मूव कौन सा कर रहे हैं, लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो ये दो ट्रांजिशन इस पे हो गए। Q3 से कीजिए, Q3 से अगर जीरो आया तो जीरो को B बना दे रहे हैं हम, अगर Q3 से जीरो आया तो जीरो आया तो जीरो B बना देंगे और राइट मूव करेंगे, स्टेट पहुंचेंगे Q3 पे। तो स्टेट कौन सा है, Q3 पे ही हम पहुंच गए। अगर Q3 से ही वन आ गया, Q3 से 1 आ गया तो फिर हम स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये भी लूप के फॉर्म में होगा। तो Q3 से 1 आया तो 1 रहने देंगे, राइट मूव कर जाएंगे, अगर 1 आया तो 1 ही रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे। तो ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल के फॉर्म में इस तरह से, ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में इस तरह से। अब अगर यहां पे ही देखना हो कि इसकी वर्किंग कैसे हो रहा है, तो सेम वर्किंग अगर 00 इनपुट में हम देखें तो कुछ इसी तरह से आपका वर्किंग यहां भी हम देख सकते हैं। जैसे सेम इनपुट अगर हम लेके वर्किंग देखें यहां से, तो कैसे कर रहा है, 00 इनपुट है आपका तो Q1 से स्टार्ट करेगा, 00 है तो इनिशियल स्टेट कौन है, Q1 से 0, Q1 से 0 यहां पे देखिए क्या कर रहा है, Q1 से 0 ए वाला रूल लगेगा, मीन 0 को 0 रहने देगा, राइट मूव करेगा, तो क्या बन जाएगा, 0 0 और राइट मूव करेगा, स्टेट कौन सा है आपका, Q1 पे ही आ जाएगा, तो Q1 हो जाएगा। अब Q1 से 0 फिर से कौन सा रूल लगेगा, यही रूल लगेगा, 0 0 राइट, तो अब क्या करेगा, 0 को 0 रहने देगा तो 0 ही होगा, राइट मूव करेगा तो एक B सिंबल यहां आ जाएगा और Q1 यहां आ जाएगा, राइट मूव हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट चलेगा तो Q1 से B, Q1 से B आते ही किस पे आ जाएगा, Q1 से B आते ही Q2 पे जा रहा है, तो यहां से देखिए ट्रांजिशन क्या बनेगा, B को 1 बनाएगा और लेफ्ट मूव करेगा, स्टेट किस पे पहुंचेगा, Q2 पे। तो क्या हो जाएगा यहां से आपका बन जाएगा 0 0, B को 1 बना दिया,
अब लेफ्ट मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा तो ट्रांजिशन के यहां पे आ जाएगा और ये शेप बन जाएगा क्यू टू आपका। अब नेक्स्ट देखिए यहां से क्यू टू जीरो, क्यू टू जीरो से क्या बन जाएगा, कोई रूल देखा, जीरो को जीरो रहने देखा, राइट में क्यू थ्री बन रहा है तो जीरो को जीरो रहने दिया और राइट में मूव कर गया, यहां पे स्टेट हो गया क्यू थ्री। इस तरह से आपका मूवमेंट चलता जाएगा, तो यही आपका ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में हो जाएगा। तो होपफुली आपको तीनों रिप्रेजेंटेशन इजीली समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे कि किसी भी ट्रांजिशन टेबल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मीन्स यहाँ जो टेबल बना, ये टेबल अगर मुझे खुद से बनाना किसी प्रॉब्लम के लिए या डायग्राम बना, इसको भी किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए मुझे डायग्राम बना के चेक करना है कि एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।